नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, एक नए वीडियो के साथ हम लोग वापस आ चुके हैं और इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट 2022। जी हां दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं कि एनसीटीई की अधिसूचना से ही तय होगी यूपी टेट की अर्हता। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने का मामला, तो क्या है इसके बारे में हम लोग पूरा जान लेते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल बटन पर क्लिक कर दो। ऐसे मैं लगातार वीडियो लाता रहता हूँ जिससे आप लेटेस्ट जो है देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्टेड गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रसिद्धि प्राथमिक स्कूलों से बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने के मामले में सबकी निगाहें अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई पर टिकी हुई थी। प्रतीक मिश्र व चार अन्य की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद में, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 19 मई 2022 की खबर, प्रसिद्धि प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने के मामले में सबकी निगाहें अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई पर टिकी हुई है। प्रतीक मिश्रा व चार अन्य की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्थगन आदेश बढ़ाते हुए एनसीटीई को 14 जुलाई तक जो है जवाब दाखिल करने को कहा है। कब तक? 14 जुलाई तक। राज्य सरकार का कहना है कि एनसीटीई की ओर से निर्धारित योग्यता और निर्देशानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का आयोजन कराया जाता है। एनसीटीई ओर के 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार टेट 2021 के लिए 15 मार्च 2021 को जारी शासनादेश में बीएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए अर्हता माना गया है। 23 जनवरी को आयोजित टीईटी का परिणाम 8 अप्रैल को घोषित किया जा चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को अपने आदेश में एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ स्पेशल अपील जो है सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। राजस्थान हाईकोर्ट के 25 नवंबर 2021 के आदेश के अनुपालन में एनसीटीई ने अब तक कोई भी संशोधित अधिसूचना जारी नहीं किया है। एनसीटीई के शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कोई अधिसूचना जारी करने के बाद ही यूपी टेट के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के नियमानुसार कार्रवाई जो है संभव है। तो यहाँ पे ये जो है जानकारी निकल के सामने आ रही है जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।